अगर इस वीडियो के अंदर किसी को रोस्ट किया जा रहा है तो वो शख्स ठंडे पानी से अपना दिमाग ठंडा कर ले। अगर इससे भी सुकून ना मिले तो फिर ये कर ले, फिर आपको यकीनन दिली सुकून मिलेगा। तो मैंने सीआर साहिबा का सुबह सुबह मैसेज देखा। सीआर साहिबा फरमा रही थी कि आज आपका पेपर है और तकरीबन 2 बजे शुरू होगा। इधर हमारे घर की बत्ती भी नहीं आ रही और अब मैं क्या करूं? वैसे एक काम हो सकता है, लेकिन हिम्मत करके मैं जी अपने दोस्तों के पास चला गया और वहाँ से मुझे उनके रूम से मुझे बहुत सारे थीपे मिले और वो मैंने पकड़ लिए क्योंकि मुझे अपना एडमिट कार्ड निकलवाना था। तो मैंने अपने दोस्तों, हाँ ये मेरे क्लास का सीआर है, ये भी मेरा दोस्त है और ये डॉक्टर मज़हर अली खोसा, दुकान पर जाकर मैंने उसे सारे थीपे दे दिए। लेकिन ये सीआर साहिबा ये बड़ा ही पक्का आदमी है, इसने उसे बकायदा काउंट करके बकाया मुझे वापस कर दिए कि ये ले ये तेरे बच गए। डैट इज़ वाई दे आर आवर क्लास सीआर, क्योंकि कंजूस ही भरा इसलिए हमारा सीआर है। और बकाया थीपे मैंने साथ एक फ़कीर खड़ा हुआ था तो मैंने उसे दे दिए। यूनिवर्सिटी जाकर मैंने कार्ड लगाकर अपनी बाइक को अंदर करवाया और पार्किंग की घाटी से चूंटा लेकर हम नीचे उतर गए। आज यूनिवर्सिटी में वैसे बड़ा रश था क्योंकि सारे बच्चे अपने पेश करवाने आए हुए थे और मतलब के पेपर देने आए हुए थे। हमें भी बड़ा ज़ोर का पेपर आया हुआ था तो ज़ोर का पेपर ज़ोर लगा के करना था। तो ये है वो बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर इस कमरे के अंदर होगा हमारा आज पेपर। तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ सीढ़ियों पर फ़कीरों की तरह बैठ गया। तो ये है जी मेरा दोस्त डॉक्टर फ़खर, क्लास का टॉपर, और ये है डॉक्टर ए बी डेवल। वैसे इसका ये यहाँ पे बैठ कर सिर्फ लड़कियाँ ही तारा था और इसका कोई काम नहीं था, सामने लड़कियाँ थी। और ये है डॉक्टर उस्मान, इसका मुझे नहीं पता क्योंकि ये मेरा दोस्त नहीं है, ये वैसे ऐसे ही बैठा हुआ था साथ में हमारे। तो ये वो क्लास है जहाँ पर हमारा पेपर लिया जाएगा। मेरे दोस्त मुझे पेश करते हैं अपने मोबाइल और मैं इन्हें अपने बैग में जाकर डाल देता हूँ। अंधेरा पता क्यों हुआ है? क्योंकि मोबाइल बैग के अंदर पड़ा हुआ है, इसलिए जाहिर सी बात अंधेरा ही होगा। आगे पेपर देने के बाद आपको मिलता हूँ। पेपर देने के बाद क्लास के टॉपर को तो बुखार हो जाता है, लेकिन ये जो उनसे सारे बैक बेंचर हैं ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि मेरे 20 में से 7 नंबर आएंगे, 5 आएंगे कि 3 आएंगे। लेकिन ये जो उनसे ये शख्स है ये करता है पेपर के बाद, हमेशा किसी ना किसी के ऊपर इसकी नजर होती है। ये मैंने बकायदा नोट किया, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ, तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। सीआर साहिबा हमारे साथ आई थी तो सीआर साहिबा को हमने फिल्म करवा दी। मैं, मेरा दोस्त डॉक्टर मज़हर खोसा और डॉक्टर फ़खर, हम मिलकर वहां से फूड हो गए। रास्ते में तो टॉपर की बस हो चुकी थी, लेकिन खोसा जो कि हमारा पर्सनल ड्राइवर है आराम से ड्राइविंग कर रहा था और मैं उसे तंग कर रहा था। अगर मैं आपको चीटिंग के मतलब कुछ बताना चाहूँ तो MCQs तो आपके आराम से हो जाते हैं, आप एक दूसरे से देख दूख के वाजे मुझे मार मूर के पता कर लेते हैं। लेकिन आपको शॉर्ट क्वेश्चन और SCQs वाला जो सा आपका हिस्सा है, यानी क्वेश्चन वाला आपका जो सा हिस्सा है, वो आपको खुद करना पड़ता है। तो ज़रा ध्यान से ज़रा याद करके जाना वरना आपकी भी लग जाएगी मेरी तरह। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो अपने मिड को एंजॉय करें और मेरे साथ अपनी फीलिंग को शेयर करें अबाउट योर मिड, के आपके मिड कैसे गुजरते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आ जाएं, मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।